लंगड़ी देखो पूरी सीख चुकी है। और यहाँ पे टिक्के जो है ना, ये टिक्के इस तरह के रोस्ट हो रहे हैं। ये चिकन कबाब हो गए, लंगड़ी हो गई, टिक्के हो गया। कैसे होने वाला है टिक्का? देखो इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। लाइनें लग जाती है शाम को तो। अरे वाह। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली फूड शौकीन में। तो जायकों की तलाश आज हमें लेके आई है ईस्ट दिल्ली गीता कॉलोनी 10 ब्लॉक में। तो पहले मैं आपको बता दूं जगह कौन सी है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं दुआ शाही कबाब, जहां पे इनके जो फेमस हैं इनका है चिकन टिक्का, इनके कबाब रोल जो कि बहुत ही, जिसे आप कहेंगे आपको देख के मुँह में पानी आ जाएगा। तो ऐसी आइटम आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, गीता कॉलोनी 10 ब्लॉक समुदाय भवन है। समुदाय भवन के बिल्कुल बाहर ही आपको ये कार्ड दिखेगा। तो यहाँ पे हम आपको पहले चलते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट बताएंगे। तो फटाफट से आ जाओ मेरे। तो लीजिए, अब ये मेकिंग होगी स्टार्ट। और यहाँ पे देखेंगे ये चिकन कबाब हो गए। भैया थोड़ा सा आइटम बता देना क्या क्या लगाया आपने। ये चिकन कबाब हो गए, चिकन टंगड़ी हो गई, टिक्के हो गया। और मैंने सुना भैया टिक्का आपका बहुत बिकता है, मतलब कि लाइनें लग जाती है शाम को तो। अरे वाह। तो चलो अब देखते हैं अब इनके टिक्के में क्या खास बात होने वाली, वो भी आपको दिखा दो। और अगर लुक्स की बात करूँ, ये देख के अभी से लग रहा है। मैरिनेशन भैया इसमें वैसे क्या क्या लगाया हुआ मैरिनेशन में? 5 दही होती है और लहसुन का पेस्ट होता है। अच्छा। बाकी अपने मसाले होते हैं। तो चलो, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और उसके ऊपर जो मैरिनेशन करोगे, क्रीम प्याज वगैरह डालते हो, बहुत बढ़िया। तो ये देखो इस टाइम ये जो है पूरा सीख चुके हैं। चिकन टंगड़ी देखो पूरी सीख चुकी है। और यहाँ पे टिक्के जो है ना, ये टिक्के इस तरह के रोस्ट हो रहे हैं। और भैया ये टिक्के और इसमें जो मसाला होता है वो अलग अलग होता है, एक ही मसाले से मैरिनेट करते हो, एक ही से होता है। तो ये देखिए लुक्स इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अब मेरे से वेट नहीं हो रहा। तो भैया कितनी देर हो लगेगी? मेरे से रुका नहीं जा रहा अब, 2 मिनट और। तो देखिए धुआं निकल रहा है, लाजवाब। आइटम इतनी ज़बरदस्त है। ले लीजिए, अब हमारे जो कबाब रोल तैयार हो रहा है। तो इसे बीच में से काट दिया है पूरा अच्छे से सेकने के बाद। तो ऊपर से प्याज को भी छोटा छोटा कट करोगे, बहुत बढ़िया। तो देखिए छोटा छोटा काट दिया प्याज को। और इधर से आगे जी क्रीम और बटर डालोगे इसमें भी, बहुत बढ़िया। ये देखिए बटर आ गया, ऊपर से डाली जा रही है जी क्रीम, बहुत ही लाजवाब। तो ये ऊपर से नींबू आ गया। ये कौन सा मसाला है? चाट मसाला है। अच्छा, खुद बनाते हो चाट मसाला? वो मार्केट वाला तो नहीं है ना? नहीं, मार्केट वाला कोई चीज़ नहीं है। मार्केट वाली कोई चीज़ नहीं है। अब रोल तैयार कर रहे हैं, इसमें पहले डाल दिया कबाब। इसमें चिकन मटन कोई भी चाहें वो करवा सकते हैं। और भैया मटन का प्राइस कितना है? 140 और ये 120, 130। 130 का हो गया चिकन रोल, मटन रोल 140 का। और ये ऊपर से आ गया अनियन डाल दिए पूरा, क्रीम व्रीम डाल के। तो ये अब हमारे रोल हो गए तैयार। तो अब नेक्स्ट लगवाते हैं अपना टिक्का। अब हमारी जो चिकन टंगड़ी हो चुकी है तैयार। अब इसमें देखते हैं मैरिनेशन किस तरह से करते हैं। ये ऊपर से आगे जी पहले बटर, और ऊपर से आगे जी क्रीम एकदम भर भर के, बहुत ज़बरदस्त। और साथ में आगे जी ऊपर नींबू, बहुत ही लाजवाब लग रही है इस टाइम देखने में। और जो खुशबू आ रही है वो भाई, मैं इधर जो खुशबू आ रही है वो मैं बयान नहीं कर पा रहा। और ये देखो जी, ये हिला दिया। ये पूरा मैरिनेट हो गया। और इसमें जो क्रीम की एक खुशबू और साथ में जो खटास, जो नींबू निचोड़ा है ना इसमें, बहुत ही लाजवाब। अगर लुक्स तो इसकी चेक करनी बनती है। ये देखो जरा, लुक्स कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप फटाफट से अपना टिक्का भी लगवाते हैं, फिर टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो ये लीजिए टिक्का भी आ गया अब हमारा। तो ये लीजिए गया, इसमें भी सेम मैरिनेशन होगी, सेम इसी तरह से, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा आप बेस्ट सजेस्ट कर दो, मलाई में कर दो। चलो ये देखो जी, ये आ गया हमारा टिक्का हो गया तैयार ऑलमोस्ट। और ऊपर से मसाला डाला जा रहा है, बहुत ही लाजवाब किस्म की आइटम लग रही है देखने में। ये देखो जी, अभी हो गया टिक्का तैयार। तो अब इस आइटम्स को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका आप टेस्ट कैसे होने वाला है। टिक्का देखो इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो लीजिए, अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है, मैं टेस्ट करने वाला हूँ। और ये जो आइटम्स है ना, आज इन आइटम्स की लुक तो एक बार बनती है, एक बार क्लोज लुक तो देखनी बनती है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी जो टंगड़ी है। ये देखो इतनी लाजवाब है। और इसमें जो मतलब वो है ना, तंदूर में जो सेकी है, जो बारबेक्यू की है, इतना लाजवाब लग रहा है। और जो क्रीम ऊपर से भर के डाली है, मसाले जो हैं, अब उसका मैं फ्लेवर जानना चाहता हूँ। और एक बार ये देखो ज़रा टिक्का, ये टिक्का मिला हमें साथ में, और इतनी ज़बरदस्त लग रहा है ना देखने में, बहुत ही लाजवाब। और इधर की जो मैं एक खास बात बताता हूँ, आपको सब जगह मिलता होगा सैलेड, लेकिन इधर की जो खास बात है, ये देखो एकदम क्रीमी प्याज दिया हमें। प्याज की क्वांटिटी इतनी अच्छी है, और साथ में जो क्रीम में बिल्कुल मसालेदार बना के दिया, वो एक अलग ही मज़ा है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनका जो टिक्का, जिसकी मैंने बहुत खासियत सुनी है कि अगर टिक्के खाना हो तो दुआ कबाब पे आना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टिक्का बेस्ट। तो मैं देखता हूँ जितना मैंने नाम सुना है क्या उतना स्वाद है कि नहीं है, अब वो मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बता दो कैसा टेस्ट होगा। तो पहले लेते हैं जी, ये लिया हमने चिकन टिक्का, धुआँ निकल रहा है, लुक्स इतने लाजवाब है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। तो अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्रीमीनेस, मेन जो सारा खेल है वो है मसालों का। जो मैरिनेशन की है बहुत ही लाजवाब है, और साथ में ये जो क्रीमी प्याज है इसका देखते हैं, बहुत ही लाजवाब है। पहली बाइट में मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि ये आइटम जेन्युइनली हाईली रिकमेंडेड है कि आप कभी भी ईस्ट दिल्ली आते हो या ईस्ट दिल्ली में रहते हो तो दुआ शाही कबाब में एक बार तो आना बनता है। इस आइटम के लिए मैं स्पेशल कह सकता हूँ कि ये आइटम आप खाने आओगे, पैसा वसूल आइटम है, बहुत ही लाजवाब किस्म की। और नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ इनके जो कबाब रोल है, भैया ने बताया इनके कबाब रोल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस आइटम के आगे नहीं जीत पाएगा कबाब रोल। ये आइटम इतनी लाजवाब है। तो एक बार थोड़ा सा कबाब रोल लेते हैं और थोड़ा चटनी के साथ लगाते हैं। पहली आइटम टेस्ट करी, बहुत लाजवाब। दूसरी आइटम टेस्ट करी, कबाब आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सारा गेम है ये है भाई मसालों का। जो मसाले इसमें डाले हुए हैं वो कुछ अलग ही, इन्हें ज़बरदस्त किस्म की आइटम बना रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। एक ऐसे मसाले होते हैं कि या तो गले में लगते हैं या तो बिल्कुल फीके होते हैं। ये देखिए जिसे एक्यूरेसी है मसालों की, जो गले में लग भी नहीं रहे हैं, एक चटपटा सा फ्लेवर अंदर जाके छोड़ रहे हैं। जैसी मैंने बाइट ली थी कबाब की, ऐसे जैसी बाइट लेने के अंदर से जूसीनेस जो निकली है उसकी बहुत ही लाजवाब। थोड़ी सी अंदर चटनी डाली है, क्रीम डाली है, काफ़ी लाजवाब किस्म की आइटम है। और ये लास्ट आ गया हमारी चिकन टंगड़ी। देखो धुआं अभी तक निकल रहा है, ज़रूर कुछ आइटम होगी। ये देखो जरा, क्रीम ऐसे टपक रही है, भर भर के डाली है, कोई कंजूसी नहीं है क्रीम डालने में। तो एक बाइट लेता हूँ, पहले मैं इसमें तोड़ लेता हूँ भाई, इतनी तो इतना क्रीमी है। एक बाइट लेते हैं, एकदम सॉफ्ट है पीस, बड़े आराम से टूटा है। तो अब इसकी बाइट लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं। एज इट इज़ है, मतलब मान लो आप दोनों में फ्लेवर एज इट इज़ है। टिक्के की बात करूं, लेग पीस की बात करूं, टंगड़ी की बात करूं, दोनों आइटम बहुत ही लाजवाब। मेन जो इसे बारबेक्यू की है, हल्की आंच और अच्छे से पकाया हुआ है, कच्चा नहीं है, फ्लेवर इतने लाजवाब है। एक तो हो गया कि बारबेक्यू इतने लाजवाब तरीके से किया, और ऊपर से जो फ्लेवर डाले हैं ना, सच में बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ खास है कि अब आप कहीं पर भी नॉनवेज जाते हो खाने तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि गर्ल्स यहाँ पे आ सकती नहीं आ सकती। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे गर्ल्स भी आके खाती है, और यहाँ पे आप इधर देखोगे यहाँ पे आंटी जी पूरा मैनेज कर रहे हैं, भैया मैनेज करते हैं, साथ में आंटी जी मैनेज करते हैं। मतलब आंटी का डिपार्टमेंट है, पूरा गला संभाल देगा, तो आंटी यहाँ पे पैसे काटते हैं। तो आइटम की बात करूँ, आइटम लाजवाब है और हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आप वो तंदूरी आइटम्स के लवर तो ये जगह आपके लिए बनी है, तो ये आइटम जरूर ट्राई करना। चिकन टिक्का टंगड़ी कोई भी आइटम आप ट्राई करना। मैं 3 आइटम मैंने टेस्ट करी है, कोई जिसमें कहते हैं जरा से भी कोई गुंजाइश नहीं, बहुत ही लाजवाब किस्म की आइटम है। ये जगह हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप ईस्ट दिल्ली या गीता कॉलोनी में आते हो तो यहाँ पे आना तो एक बार बनता है। तो ये आइटम्स को मैं सारा खत्म करता हूँ। खत्म करने के बाद एक बार थोड़ा सा यहाँ के ओनर से जानते हैं, आंटी से थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे भैया जो मैनेज कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। तो इसे फिनिश करके एक बार चलते हैं ओनर से बात करते हैं। तो चलिए अब यहाँ के ओनर से जानते हैं इस आउटलेट, इस कार्ट के बारे में थोड़ा सा। भैया पहले सबसे आपका नाम बताओ। मेरा नाम गौरव। और कितना टाइम हुआ इस कार्ट को? 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल। और आइटम्स अभी तक आपके पास क्या क्या है? अपने पास चिकन टिक्का, चिकन कबाब, मटन कबाब, चिकन टंगड़ी, विंग्स, तंदूरी। और भैया जैसे कि मैंने नाम सुना था आपके चिकन टिक्के का, मतलब सच में मतलब दिल जीत लिया। मैंने कई खाए होंगे लेकिन आज जो मज़ा आया, मतलब ऐसा क्या जादू चमत्कार कर रखा आपने? बस भैया मसालों का ही खेला, सारा मसालों का खेला। और सारे मसाले घर पर भी सुनाते हो? हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा सा पहले आप इधर का एड्रेस समझा दो हमारे को। ये अपना 10 ब्लॉक का समुदाय हॉल है, कम्युनिटी हॉल, उसके बिल्कुल बाहर ही है सर। ठीक है। और टाइमिंग्स क्या आपकी? टाइमिंग 4 बजे से लेकर 11:30 तक है। बाकी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से 9:30 लास्ट अभी। और मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब ऐसी जगहों पे मतलब लड़कियाँ इतना नहीं आ पाती, यहाँ पे लड़कियाँ भी आके खा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे मतलब आंटी भी बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा ये बताओ, अगर मान लो किसी ने कोई कैटरिंग वगैरह करानी हो, कुछ हो, उसका अरेंजमेंट भी है, उसका भी है बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। तो चलो मैम, जो नंबर रहेगा भैया का मैं नीचे स्क्रीन पे चला दूंगा, भैया का नंबर डाल दूंगा। फ्री होम डिलीवरी का भी है, तो होम डिलीवरी भी है। और जोमेटो स्विगी भी है? जोमेटो स्विगी अभी नहीं है, लेकिन इस महीने हो जाएगा, इस महीने जोमेटो स्विगी भी हो जाएगा। और फ्री डिलीवरी अभी तक लोकल कितने किलोमीटर में? 3 से 4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर फ्री होम डिलीवरी। और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू मिनिमम 3-4 प्लेट। तो फटाफट से वेट मत करो, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको यहाँ के चटपटे जायकों का लुत्फ उठाना तो उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। और आइटम्स नो डाउट बहुत ही लाजवाब किस्म की, एक बार आओगे तो सच में फ़ैन हो जाओगे। भैया थोड़ा सा बताओ तो सही, थोड़ा सा तो आइडिया दो हमें कि ऐसा क्या चमत्कार है। बस तो कोई आइडिया नहीं देता। तो फटाफट से आप आ जाओ, वेट मत करो। ये जो आपको स्वाद जानना है उसके लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आपको है हमारे साथ लेकिन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दिल्ली फूड शौकीन। तो मिलते हैं किसी नई जगह कुछ इसी तरह के चटपटे जायकों के साथ।